हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज थर्सडे है एंड आज है 17th of October 2019। टुडे इज़ करवा चौथ और मेरी तरफ से आप सभी लेडीज़ को अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक करवा चौथ तो निकल चुकी होगी, बट यही समझ लीजिए कि मैंने आपको करवा चौथ वाले दिन ही विश किया। सो अ वेरी हैप्पी करवा चौथ टू यू ऑल एंड आई एम श्योर आप सब ने अपने अपने तरीक़ों से बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से तैयार होकर मनाया होगा अपना फेस्टिवल। सो गाइज, अभी शाम के 4 बजे हुए हैं, दोनों बच्चे सो रहे हैं। सिया स्कूल गई थी, आज थर्सडे को सिया का स्कूल होता है तो उसको आके मैंने सुला दिया था। और अभी दिन में मैंने ये इंडियन मतलब कुछ पहन लिया, अदरवाइज़ क्या होता है कि हम लोग हमेशा लोअर टी शर्ट में, लेगिंग टी शर्ट में, इसमें ही घर पर रहते हैं। कोई कोई फेस्टिवल होता है तब मैं पहन लेती हूँ इंडियन। तो मैंने अपना सूट के सर्च किया और उसमें देखा कि कुछ है पहनने के लिए, तो सारे कपड़े ऑलमोस्ट टाइट ही थे बट ये सूट थोड़ा लूज़ था। तो ये एक नॉर्मल सा सूट है जो मैंने लास्ट इंडिया विजिट में लिया था। और मैंने अपनी रिंग पहन ली एज़ यूजुअल, ये रिंग मुझे पुष्पिन ने सेकेंड करवा चौथ पे दिलाई थी। और बैंगल पहन लिए हैं, ऐसे नॉर्मल सा इंडियन सा कुछ पहन लिया है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और लोअर टी शर्ट पहनते हैं, लेगिंग टी शर्ट तो बिंदी बिंदी भी कहाँ लगाते हैं। मम्मी भी आई थी तो बोल रही थी तुम लोग बिल्कुल ऐसे रहते हो, लगता ही नहीं है कि मैरिड हो। सो आज बिंदी बिंदी भी लगा ली है और बस अभी तो यही है। और फिर मैंने सर्च किया कि कोई साड़ी तो 2-3 हैं अभी जो नई पहनी हुई हैं, लेकिन उन सब के ब्लाउज़ और सबके ब्लाउज़ टाइट हैं, किसी में कोई गुंजाइश ही नहीं थी ढीला करने की। फिर एक साड़ी थी जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पहनी हुई है, एक व्लॉग में भी पहनी हुई होगी, उसका मैंने देखा थोड़ी गुंजाइश थी, सिलाई ढीली की उसकी और उसका मैंने कर लिया सेटअप, तो वही मैं पहन लूँगी। मैं करवा चौथ में पानी और खाना कुछ भी नहीं खाती हूँ और हमारे यहाँ सरगी का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है, मैंने लास्ट ईयर वाले व्लॉग में बताया था आपको। तो मैंने इस बार लेकिन एक गिलास दूध पी लिया और एक बनाना खा लिया क्योंकि मैं सिया को फीड सॉरी क्योंकि मैं भूमि को फीड कराती हूँ और वो कुछ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड लेती है, वो कुछ फॉर्मूला वगैरह बिल्कुल नहीं लेती है। तो मैंने अपनी मम्मी से, मदर इन लॉ से सबसे पूछा तो सबने बोला कि बच्चों के लिए और ज़्यादा वहम नहीं करना चाहिए बच्चों के केस में, और वैसे ही सब कुछ भगवान का नाम लो और सब ठीक है। तो मैंने एक बड़ा ग्लास भर के दूध पी लिया था और एक बनाना खा लिया है, बाकी पानी नहीं पिया है, लिक्विड ही ले लिया दूध की फॉर्म में, ये है। और फिर पूजा वूजा करूँगी। और लास्ट ईयर हमने करवा चौथ सेलिब्रेट किया था, अगर आपने मेरा पिछले साल का व्लॉग देखा होगा तो उसमें मेरी सारी फ्रेंड्स ने मिलके, जो भी मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलके हमने सेलिब्रेट किया था। इस साल क्या है कि जो मेरे हमारे फ्रेंड्स हैं आदित्य और सौम्या, वो लोग तो इंडिया गए हुए हैं, एक और फ्रेंड है उनके कुछ ट्रैवल के प्लान्स हैं, तो ओवरऑल कुछ भी प्लान नहीं बन पाया कि हम मिलके पूजा कर लें। तो मैं यहाँ अकेले ही शायद मैं अकेले ही पूजा करूँगी और मेरे पास कैलेंडर तो नहीं है, तो मैं पुष्पेंद्र को मैंने बोला है कि अपने ऑफिस से प्रिंट आउट लेके आ जाएँ। और मैं सोच रही हूँ कि इंडिया जाऊँ तो एक कैलेंडर ले लूँ कलर्ड सा और उसको फ्रेम करा के रख लूँ। एक दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने ऐसे ही किया हुआ था पुरानी सोसाइटी में, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि हर साल प्रिंट नहीं लेना पड़ेगा, उस कैलेंडर को अच्छे से फ्रेम करा के रख लो, उन्होंने ग्लास फ्रेम में उसको लगा लिया था। यही है अपडेट अभी तक। पहले मैंने सोचा था कि कोई करवा चौथ का व्लॉग नहीं बनाऊंगी, बट सोचा यार बना देती हूँ छोटा सा व्लॉग, और ज़्यादा कुछ तो तैयारी मैं नहीं कर पाई हूँ बहुत कुछ। मैंने मेहंदी लगाई थी रात को, दोनों बच्चे सो गए थे जब, तब जल्दी से आई बैठी 11-12 बजे के आसपास, तो ये मैंने मेहंदी लगाई है थोड़ी सी यहाँ पर और यहाँ पर। मुझे ज़्यादा मेहंदी वेहंदी लगाना आता नहीं है, तो जैसे थोड़ा बहुत आया तो ऐसे काट लिया बस उसके लिए, और दूसरे हाथ में नहीं लगाई है क्योंकि रात को भूमि को भी फीड वीड करना पड़ता तो उसमें, तो एक हाथ पे लगा के साइड में लटका के थोड़ा सुखा लिया था तो ठीक कलर आ गया है। और यही है बस तैयारी हमारी, और तो कोई तैयारी नहीं है। और फिर शाम को जब पूजा वूजा करूँगी तब आपको दिखा दूँगी एक बार अपनी पूजा की थाली वगैरह। मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ, सिंपल सी मेरी थाली होती है। और कल मैंने कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशंस करी थी, काइंड ऑफ थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर किया था, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ।
और जो मेरा लास्ट ईयर का करवा चौथ का व्लॉग था वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया था हम सब लोगों ने फ्रेंड के टेरेस पे जाके, और शिकागो डाउनटाउन में सेलिब्रेट किया था, तो आप डेफिनेटली वो व्लॉग भी चेक कर सकते हैं। और ये रहा मेरा सूटकेस, इसमें से मैंने सामान निकाला है और मैं साड़ी वाड़ी पहन लूँगी, उसके बाद अब मैं इसको कल ही रखूँगी। ये सूटकेस मैंने एक क्लोज़ेट में रखा हुआ था, सो अभी जब साड़ी वापस रख दूँगी फिर ही उठा के रखूँगी, तो अभी ये यहीं रखा हुआ है। और मैंने ये स्पेस किटन का टी जोन मास्क जो होता है ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने के लिए, ये लगाया था। ये इप्सी ग्लैम बैग में निकला था, तो कुछ सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कैसा है ये, तो अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है तो मुझे अभी ठीक लगा। और अगर इसमें लिखा हुआ है कि इसको किस ऐसे यूज़ करना है एक एक हफ़्ते बाद या कैसे यूज़ करना है इसको, तो ज़्यादा फ़र्क लगेगा। अभी तो मुझे ठीक ठीक लगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही बहुत कुछ डिफरेंस नहीं लगा। और एक चीज़ और, ये मैंने अपना थोड़ा सा फेशियल किया था, ये है हिमालया की प्योर नीम फेशियल किट, तो इससे मैंने अपना फेशियल किया था। और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें मसाजर जो है वो मिलता है। तो इस बार मैं इंडिया गई थी तो अपने लिए एक फेशियल किट लेकर आई थी। यहाँ पर क्या होता है, हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है कि हम हार्डली फेशियल वेशियल कराने जा पाते हैं, बट कोई फेस्टिवल हो तो खुद से ही घर पर कर सकते हैं। तो किट है, इसमें काफ़ी सारे फेशियल हो जाएंगे। ये पूरी किट इंडिया से मैं लेकर आई थी और 630 की थी, ओनली 630, और वर्थ है मेरे ख्याल से। और हिमालय के प्रोडक्ट्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते इसके साथ। ये जो है वो ये फेस मसाजर है, तो ये भी मिला है इसके साथ, तो मुझे ये अच्छा लगा। मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। ये अच्छे से मतलब फेस को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा कर देता है, मसाज करने में तेज़ भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। और इसमें क्या है कि इसमें सारे स्टेप्स दे रखे हैं, फर्स्ट फेस वॉश, देन फेस क्लींजिंग मिल्क, देन फेस स्क्रब, फेस टोनर, फेस पैक एंड फेस मॉइस्चराइज़र। तो जो बिगनर्स होते हैं जैसे हम जैसे लोग, हमको इतना कुछ पता नहीं है, तो वो भी इसमें स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ निकालो लगाओ रखो, वो चीज़ निकालो लगाओ रखो। तो इस तरीके से मैंने अपना फेशियल करा इससे और मतलब मुझे सही लगा। हम लोग रेगुलरली तो नहीं कर पाते हैं, इसमें तो लिखा है कि एवरी मंथ करना चाहिए, बट कहाँ टाइम मिलता है करने का, तो अभी किया है मैंने। एंड आई थिंक अगर आपका इंडिया का चक्कर लगे या कोई फ्रेंड वगैरह जा रहा हो तो आप मंगा सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हिमालय बहुत बड़ा ब्रांड है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपसे शेयर कर रही हूँ। सो इट्स थम्स अप फॉर दिस हिमालय। एंड हिमालय के प्रोडक्ट्स मुझे और पुष्पेंद्र को दोनों को ही अच्छे लगते हैं। एंड आप लोग यू विल बी सरप्राइज, मैंने उनका भी फेशियल कर दिया। तो ये था, सो ये मैं रख के आ जाती हूँ। यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की हैं, तो मैंने सोचा कि शेयर कर लूँ। यहाँ पे मैंने पालक को स्टीम करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा पानी डाला था, और पालक और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और ढक के इसको मीडियम फ्लेम पे। तो अभी ये ज़्यादा लग रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद ये काफ़ी कम हो जाएगा। मैं पालक यूज़ कर रही हूँ बॉस्कोविक आई थिंक क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड दिस इज़ ट्रिपल वॉश्ड। तो अगर ये वाला पालक आप सैंडविच में या किसी भी चीज़ में फटाफट से डालना चाहें तो आप एज इट इज़ डाल सकते हैं, इसको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिपल वॉश्ड है एंड 2.5 LVs का पैकेट है, 1.14 kgs। सो दिस वी हैव टेकन फ्रॉम कॉस्को एंड ये अराउंड $3-4 के आसपास आ जाता है, काफ़ी सारा पालक होता है। सो एक बंडल अलग से ख़रीदने से बेटर है कि, और ये पालक जो है ये स्मूथीज़ में किसी में भी डाल सकते हैं। एंड द गुड थिंग इज़ कि इसकी जो फ्रिज लाइफ है वो काफ़ी है, अराउंड 15 डेज से ऊपर अच्छा चल जाता है। जब एंड में लगता है कि हाँ पत्ते ख़राब हो रहे हैं, उस टाइम पर मैं प्यूरी बना लेती हूँ, तब तक तो हमारा ख़त्म ही हो जाता है वैसे तो। और बच्चों के जगने से पहले मैंने ये सारी प्रिपरेशन कर ली है सब्ज़ी बनाने के लिए, प्यूरी बना लिया है, अनियन चॉप कर लिया है और टमाटो प्यूरी बना लिया है। सो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब सब्ज़ी बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और थाली में मीठा रखने के लिए पुष्पेंद्र ये दोनों मिठाई ले आए हैं पटेल स्टोर से। सो डोडा बर्फ़ी है और बेसन लड्डू हैं, बेसन लड्डू मुझे बहुत पसंद है और डोडा बर्फ़ी पुष्पेंद्र को, सो दोनों में से मैं रख लूँगी दो दो पीस। और ये रही मेरी थाली, बहुत ही सिंपल सी थाली है, हर बार मैं इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ। सो ये मेरी थाली है और अब मैं जाके पूजा की तैयारी करती हूँ।
सो गाइज वेलकम बैक। और अभी 8:20 हुए हैं, मैंने अपनी पूजा कर ली है और हम लोग वेट कर रहे हैं चांद दिखने का। अभी दिखाती हूँ बेटा, एक बार बता दूँ तो हम लोग चांद के निकलने का वेट कर रहे हैं। और मैंने सब्जी बना दी है और पुष्पेंद्र नान लेकर आए थे, तो बस नान सेकने हैं। पहले पूड़ी बनाने का प्लान था बट अभी सिर्फ नान सेकने हैं, तो मैं अवन प्री हीट कर दूँगी अभी। और ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, ये मैंने रक्षाबंधन पे एक बार पहनी हुई है यहाँ पे US में, और ये इस तरह की साड़ी है। तो सिंपल मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वेट साड़ी नहीं है, नॉर्मल सी ही है। हम लोग चांद निकलने का वेट कर रहे हैं, पुष्पेंद्र बाहर देखने गए हैं कि चांद तो नहीं निकल आया कहीं, और ठंड बहुत है बाहर, तो देखते हैं कि बच्चों को कैसे लेके जाएंगे। जैकेट वैकेट पहना के लेके जाना पड़ेगा, बहुत ठंड है बाहर, और कोई फ्रेंड भी नहीं है कि इसके साथ मतलब पकड़ा दें बच्चों को, तो लेट्स सी। हे गाइस, सो 9:10, ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ये रही मेरी थाली और चांद निकल आया है, सो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सो वो देखिए सामने गोल गोल सा जो आपको दिख रहा है ब्राइट सा, वही है चांद। और मैंने यहाँ पे अर्घ दे दिया है, सो हमारी पूजा हो गई है। चलो, सो गाइज पूजा हमारी हो गई है और ये हमारा डिनर है। नान सेक दिए हैं पुष्पेंद्र ने और पालक पनीर की सब्जी है। सो अभी हम डिनर करेंगे और इसके बाद मैंने कोई क्लिप्स नहीं बनाए हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, बहुत ही सिंपल सा व्लॉग है, जैसे मैंने सेलिब्रेट किया वैसे मैंने आपसे शेयर किया है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस व्लॉग। और सिया मुझे बोल रही थी कि मुझे दिखाओ ये हमारी सिया है, बट मैं वो क्लिप बनाना भूल गई। सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी एंड बाय।